हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है नए व्लॉग में। आज है संडे और हम तीनों जा रहे हैं सुबह सुबह घूमने पार्क में। थोड़ा लेट हो गया है बट हाँ, मैंने कहा बेटू भी उठ गया है तो इसका पूरा काम वाम कर करा के और मैं नहा भी ली हूँ। मैंने कहा चलो पार्क में वॉक करके आते हैं। कभी कभी ऐसा कोइंसिडेंस हो पाता है कि हम तीनों साथ में जा पाते हैं, दोनों चले जाएँ वही बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स इट, अभी चलते हैं घूम के आते हैं। बेटू से घूमना तो क्या होगा, इसको पार्क में खिलाना ही होगा मोस्टली। हमारी तो वॉक हो ही नहीं पाती, इसको संभालना और इधर उधर इधर उधर इसको झुलाना करना यही सब हो गया। मैं बस यहीं पे थोड़ा सा ऐसे वॉक कर ले रही हूँ। मनीष उसको देख रहे हैं, थोड़ी देर वॉक कर लेंगे और फिर मैं देख लूँगी। मैं यहाँ बैठ के करने लगी थी अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मनीष ले गए थोड़ी देर तो यहाँ बैठे थे, फिर उसको उधर ले गए झूलों की साइड। नाउ आई एम डन एंड आई एम गोइंग बैक टू देम, फिर हम घर चले जाएंगे। बहुत मतलब हो गया टाइम, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो हो ही गया होगा। चीटियाँ चढ़ गई, लाल चीटियाँ। मैं वही सोची थी कि मैं जब ये कर रही थी योगा तब मेरे को कैसे खुजली चल रही है। तो अभी यहाँ बनेंगे पोहे नाश्ते में और इधर मनीष ने अपने ब्रेड वगैरह कर लिए, ब्रेड पीनट बटर। तो मेरे मतलब आज पोहे थोड़े से कम है तो दो तीन नाश्ता बैलेंस करके बनाना पड़ रहा है। पोहे बना बनू के और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फाइनली 11:30 हो रहा है, सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ। आई मीन झाड़ू पोछे का तो आज काम नहीं था, मेड आ गई थी तो बस, और भी बहुत सारे काम होते हैं लग रहा है। मेरे को पार्लर जाना है तो 10-15 मिनट दिए थे उसने कि 10-15 मिनट बाद आना, तो अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। बहुत हो गया है लिटरली, मतलब पता नहीं। फेस वेस का कुछ नहीं कराना है मुझे, मुझे वैक्सिंग और ये सब करवाना है। तो यही सब है यार, अपने इन सब चीज़ों के चक्कर में ना अपने पे ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं। और आज है पापा का बर्थडे, यस, तो आप सब लोग भी विशेस करना मेरे पापा के लिए। लिटरली आई जस्ट वॉन्ट कि उनकी अच्छी हेल्थ बनी रहे, बाकी सब तो चीज़ें आती जाती रहती है बट आदमी की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अच्छे से रहे बस। और बस वही, तो अभी बात हुई थी पापा से, जो भी था वो ऐसे ही होता है, हर माँ बाप का ऐसे ही होता है यार कि अपने पे ध्यान नहीं देते, बच्चे बच्चे बच्चे, जबकि अब ये एज हो गई कि उनको ध्यान की ज़रूरत है। तो बस यही सब है। तो चलिए मैं जाके आती हूँ पार्लर एंड देन आप लोगों के साथ मिलूंगी मैं पार्लर के बाद माइक पे। और बस टीवी चल रहा है इसका। चिकू चिकू चिकू, ओनली वन टाइम हाय। ये दौड़ नहीं रहा क्या हॉर्स? चिकू टीवी चले, दूसरा ये कहीं घूमने जाए। इन दोनों चीजों, इन दोनों टाइम पे ये किसी से आए बाय कुछ नहीं करता, कर ले तो बहुत बड़ी बात है बट हाँ मोस्टली यही होता है कि नहीं करता है। सो फाइनली आई गॉट टाइम फॉर माई सेल्फ और मैं जा रही हूँ डायरेक्ट ऐसे ही जैसे थी मैं उठी है। मैंने कहा जस्ट घर के पीछे ये तो ज़्यादा दूर है नहीं, तो बस चलते हैं। मैंने कहा पार्लर हेयर कट करवाना है, कल से जिम जाना है, लंबे बाल बड़े परेशान करते हैं, नॉट फॉर जिम बट मुझे अभी गर्मी में थोड़े छोटे ही करवाऊँगी मैं। सो फाइनली पहुंच गई हूँ मैं पार्लर, सबसे पहले होगा हेयर कट अंदर देखते हैं। तो फाइनली अभी जस्ट खाना वाना खा के बर्तन साफ करके अब मैं जा रही हूँ अंदर। बेटू में आई तब सो चुका था ऑलरेडी, फिर मैंने आके रोटी वोटी बनाई, मुझे लगा ऑलरेडी बना ली होगी, इन लोगों ने खा लिया होगा बट किसी ने भी नहीं खाया था। फिर आके जस्ट रोटी वोटी बना के सारा काम करके अब आई एम गोइंग इनसाइड कि अगर नींद आएगी तो सोते हैं, नहीं तो अपना व्लॉग एडिट करेंगे एंड देन लाइव कर देंगे। 2 hours later जी हम लोग अच्छी खासी नींद निकाल के उठे हैं 5:30 बजे और बेटू ई ई ई कर रहा है बाहर से, दादी ने डांटी भगाया इसको। ये लोग ये आया अभी, अरे तू चाय पे कूदेगा क्या? मेरी कोई परवाह ही नहीं रहती कि भाई नीचे क्या रखा है यार, बेटा ऊपर से कूद जाता अभी, गरम गरम लग जाता। अच्छा यहाँ पे आना था। से हाय टू एवरीवन।
कायद बबू माँ। अभी काजल फैलाया भी लगाए बू। हम लोग चाय वाय पीपा के निकल लिए बाहर, जाते हैं थोड़ा लोकल मार्केट जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें लेके आनी है, साथ में सब्जी का थैला भी हमें लेके आए। बैठो। तो हम लोग आज गए मार्केट, यहीं पर कहीं आसपास ही खड़ा रहता था वो राई है राई, यहाँ पर इसके बाद मिल जाएंगे। तो हम लोग जस्ट 10 मिनट्स में फ्री होके मार्केट से निकल लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, अभी वो सॉर्टेड, और लेके हम सीधा जा रहे हैं। कहाँ आज मूवी नहीं दिखाई, वो कपल टिकट मिला था हमें यार, अब तो नेक्स्ट वीक देखेंगे, ओटीटी पे नहीं आई तब तक तो ले सी। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी सब्जी मंडी, मेरा नॉट फेवरेट काम बट हो ही जाता है, हर तीन चार दिन में वो आ रहे मनीष हमारे, तो कहते हैं अरे यार वो तो सबके साथ ऐसे ही होता है, तू मान ना मान मेरी बात की, ऐसे होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जी हाँ, इतनी महंगी हो रखी है हद वाली, 150 रुपए किलो टमाटर हो गए, 120 तो पहले थे, तो मैं एक भी टमाटर बिना टमाटर की सब्जियां बना रहे इतने दिनों से हम। तो जी वी आर बैक एट होम, और बस थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे बेटू के कपड़े, इन द सेंस वो सुसु वाले, तो एक साइड डाल देती हूँ मैं लॉन्ड्री बैग में डाल के, और फिर मैं शाम को वॉश कर लेती हूँ जब हो जाता है। तो अब मैं लग रही हूँ किचन में, 7:15 बज गए हैं। बेटू कहाँ है, कहाँ है, ये रहा अपने हॉर्स के पास खेल रहे हैं। मैं बस अब देखती हूँ क्या बनाऊँगी, बहुत सारी सब्जियाँ लेके आए हैं, सब्जियाँ तो इतनी महंगी हो रही है, और हद वाली 150 रुपये किलो टमाटर, 60-70 रुपये किलो गिल की जो तौरी होती है वो, भिंडी, सारी चीज़ें बड़ी महंगी हो रही, लग रहा है दाल चावल खाओ मस्त रहो। सो वी आर डन विद दी डिनर, और मम्मी अभी घूमने गए हुए हैं, फिर हम जाएंगे। और चलिए हम इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओय होय बा, क्या दे रहे थे ये? दूध नहीं चाहिए मेरे को, जो इसकी मेडिसिन है उसके ऊपर कर लाती है, और वो ऐसे निप्पल जैसा है ना, दूध की बॉटल जैसा, तो मेरे को ला के दे, दूध चाहिए, दूध चाहिए। किसी कर दो फटाफट से, अच्छा कर दो। हाय हाय मेरा राजा, बाय।